हेलो एंड वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का एनसीआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर फोर वाटर रिसोर्सेस फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स इट कैन बी सेड विथ सर्टन सर्टेनिटी विद सर्टेनिटी दैट द सोसाइटी विल विटनेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मधर न्यूर फ्यूचर में सोसाइटी में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा ज्योग्राफिकल शिफ्ट होगा पॉपुलेशन का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट होगा और वाटर स्कैरसिटी होगी पानी की कमी होगी वाटर स्कैरसिटी इज पॉसिबल टू पोज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज और पॉसिबल है कि वाटर स्कैरसिटी सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज होगा ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज डिमांड कपल्ड विद श्रिंकिंग सप्लाई क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई उसकी श्रिंक होती जा रही है ड्यू टू यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन ओवर यूटिलाइजेशन और पानी के पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन की वजह से सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन वाटर इज साइकिल रिसोर्स विद अबेंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब वाटर जो एक है एक साइकिलिक रिसोर्स है अबेंडेंड सप्लाई है बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे ओवरऑल ग्लोब पे वाटर की सप्लाई है अप्रोक्सीमेटली सेवनटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद इट लगभग सेवेंटी वन परसेंट पूरे अर्थ का जो सरफेस है ग्लोब का वो पानी से कवर्ड है बट फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट ओनली थ्री परसेंट ऑफ द टोटल वाटर लेकिन टोटल वाटर जो भी अवेलेबल ऑन द ग्लोब ओनली आउट ऑफ दैट ओनली थ्री परसेंट इज पोर्टेबल वाटर फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज बाय द ह्यूमन बींग इनफैक्ट वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टि अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज और उसमें से भी बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन जो है फ्रेश वाटर का है वो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है ज़्यादातर अवेलेबल ही नहीं है द टेंशन एंड द डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द स्केयर्स रिसोर्स आर बिकमिंग कंटेस्टिड इशूज अमोंग कम्युनिटीज रीजनस एंड स्टेट्स तो क्यों इस वाटर एक स्केय्स रिसोर्स है और इसके यूटिलाइजेशन के लिए कम्युनिटीज में रीजन्स में डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स में कंटेस्ट है द असेसमेंट, एफिशेंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर देयर फॉर बिकम नेसेसरी टू इंश्योर डेवलपमेंट। इसलिए पानी का कंजर्वेशन और उसका एफिशेंट यूज बहुत जरूरी हो गया है डेवलपमेंट के लिए इन दिस चैप्टर विल डिस्कस वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया इट्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कहाँ ज़्यादा है पानी कहाँ कम है क्यों है सेक्टरल यूटिलाइजेशन कौन सा सेक्टर में पानी की कितनी यूज़ होता है यूटिलाइजेशन होता है एंड मैथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और पानी को कंजर्व कैसे किया जाए उसको मैनेज कैसे किया जाए ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस एरिया जो ऑल ओवर इंडिया है पूरी ग्लोब का सरफेस एरिया का इंडिया शेयर्स 2.45 परसेंट एरिया लैंड का 4 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स एंड अबाउट 16 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टोटल पानी का चार प्रतिशत इंडिया शेयर करता है इंडिया के पास है और 16 परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया के पास है तो लैंड एरिया टू वाटर शेयर फोर परसेंट है इंडिया के पास और पॉपुलेशन सिक्सटीन परसेंट है इंडिया के पास द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रिसिपिटेसन इन द कंट्री इज अ वेरी इज इज़ अबाउट फोर थाउजेंड क्यूबिक किलोमीटर और वाटर जो अवेलेबल होता है थ्रू प्रिसिपिटेशन बारिश के थ्रू वो चार हजार क्यूबिक किलोमीटर है द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिपीनिशल ग्राउंड वाटर इज़ 1,869 क्यूबिक किलोमीटर आउट ऑफ दिस ओनली 60 परसेंट कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूज़ेस और उसका भी 60 प्रतिशत ही बेनिफिशियल यूज के लिए वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज़ ओनली 1,122 क्यूबिक किलोमीटर तो जो यूजेबल वाटर है इंडिया में वो ११२२ सौ बाईस इलेवन हंड्रेड ट्वेंटी टू क्यूबिक किलोमीटर है ओनली सरफेस वाटर रिसोर्सेस देर आर फोर मेजर रिसोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर तो सरफेस वाटर के चार मेजर सोर्सेस हैं रिवर है लेक्स है पोंड्स है टैंक्स है, है चार ये सरफेस वाटर के सोर्स है रिवर्स लेक्स पोंड्स एंड टैंक्स इन द कंट्री देर आर अबाउट टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रिवर्स और कंट्री में दस हजार तीन सौ साठ नदियाँ हैं हावेवर एवर ड्यू टू टोपोग्राफिकल हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्सटेंट अब क्योंकि टोपोग्राफी खराब है मतलब टेरेन ऐसा है और हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सटेंट की वजह से ओनली अबाउट सिक्स हंड्रेड नाइन्टी क्यूबिक किलोमीटर मतलब बत्तीस परसेंट थर्टी टू परसेंट ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज वाटर फ्लो इन द रिवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया ओवर रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया तो किसी नदी में कितना वाटर रहेगा डिपेंड करता है कि उसका कैचमेंट एरिया कितना है और रेनफॉल कहाँ पे उसके कैचमेंट एरिया के कितने हिस्से में पड़ती है प्रिंसिपटेशन इन इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन और प्रिंसिपिटेशन मतलब बारिश जो है किसी भी फॉर्म में जब बारिश होती है चाहे बर्फ़ की फॉर्म में हो चाहे ओस की फॉर्म हो उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं प्रिसिपिटेशन इज ए वाइडर टर्म टू डिनोट रेन तो इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन तो स्पेस से काफ़ी डिफरेंस आता है बारिश में कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है स्पेशल वेरिएशन है एंड इट इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द मानसून सीजन और ज़्यादातर बारिश जो है टाइम के हिसाब से देखें तो मानसून सीजन में ही होती है अब हमारे पास है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। वो तो हमने लैंड रिसोर्सेस पढ़ा था वाटर की अवेलेबिलिटी देखी अब हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को देखेंगे द टोटल रिप्लीनेशबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री आर अबाउट फोर थर्टी टू क्यूबिक किलोमीटर चार सौ बत्तीस क्यूबिक किलोमीटर जो पानी है वो रिप्लीनेश हो सकता है ग्राउंड वाटर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन लाइंग इन द नार्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया एक तो साउथ इंडिया में और दूसरा राजस्थान की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन इन चार स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु क्योंकि ये एग्रीकल्चरल स्टेट है यहाँ का जो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरल विच यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरल ऐसे स्टेट्स हैं जो ग्राउंड वाटर को कम ही यूटिलाइज करते हैं लेगूंस एंड वाटर्स India has a vast coastline and the coast is very indented in some states. India के पास जो coastline है बहुत बड़ी है और काफ़ी indented है Indented का मतलब होता है कोस्ट ऐसे 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 है ड्यू टू दिस नंबर ऑफ लेगूंस एंड लेक्स हैव फॉर्म इसकी वजह से बहुत सारी लेगूंस और लेक्स फॉर्म हो गई है मतलब इंडेंटेड अगर वो होगा कोस्टल तो यहाँ पे ये लेगुन बन गई यहाँ पे लेगुन बन गई यहाँ पे बन जाएगी ऐसे बन जाएगी तो द स्टेट्स लाइक केरल उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव वाह वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स इन दीज लॉगूं एट लेक्स तो जो स्टेट है साउथ के केरल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लेगन्स काफ़ी मात्रा में वाटर रिसोर्स को प्रोवाइड कराती है ऑल द वाटर इज जनरली बैक बैक ब्रैकिश इन दोज वाटर बॉडीज इट इज़ यूज फॉर फिशिंग एंड इरीगेटिंग सर्टन वराइटीज ऑफ पेडी क्रॉप्स और कोकोनट एट्सट्रा हालांकि जो वाटर अवेलेबल है लेगूंस में वो ब्रैकिश है इंदिस मतलब साल्टी है इंदिस उसमें लेगूंस में और लेक्स में लेकिन फिर भी यहाँ पर फिशिंग का काम किया जाता है और कुछ क्रॉप्स के लिए इरीगेशन की फैसिलिटी भी दी जाती है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। इंडिया हेज़ ट्रेडिशनली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया ट्रेडिशनल टाइम से ही एक एग्रेरियन इकोनॉमी कृषि इकोनॉमी रही है अबाउट टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और दो तिहाई, टू थर्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैन्स डिवेलपमेंट ऑफ इरीगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ बीन असाइंड ए वेरी हाई प्रियोरिटी इन द फाइव ईयर प्लान्स इसलिए इरीगेशन का डेवलपमेंट करना फाइव ईयर प्लान में उसको मेन प्रियोरिटी दी गई एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए जैसे कि भाखड़ा नांगल हीराकुंड डैम दामोदर वैली नागार्जुन सागर इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा क्योंकि आवर कंट्री और आर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन दैट इज वाई इन द फाइव ईयर प्लान वी हैव गिवन मोर एम्फिस ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ इरीगेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट इंडिया वाटर डिमांड एट प्रजेंट इज डोमिनेटेड बाय इरीगेशनल नीड्स वास्तव में इंडिया में जो वाटर की डिमांड है वो मेन इरीगेशन की वजह से ही है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन मच हायर दैन अदर सेक्टर अगर हम वाटर यूटिलाइजेशन को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है दैन अदर सेक्टर सेकेंडरी और ट्रजरी में देखें तो हाइवर इन द फ्यूचर विद डेवलपमेंट द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर इन द कंट्री आर लाइकली टू इंक्रीज फ्यूचर में देखें तो इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सेक्टर में भी वाटर का जो यूज़ है यूटिलाइजेशन वो बढ़ रहा है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इरीगेशन में वाटर की क्या डिमांड है इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरीगेशन एग्रीकल्चर में वाटर का मेन यूज़ इरीगेशन के लिए होता है इरीगेशन इज डीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री और इरीगेशन क्यों जरूरी है क्योंकि जो रेनफॉल है वो इस्पेस में और टाइम में बहुत ही वेरिएबल है मतलब स्पेस अलग अलग स्पेस पे अलग अलग बारिश होती है ज़्यादा कहीं पे कम स्पेशियो वेरिएशन और टेम्पोरल वेरिएशन का मतलब अलग अलग टाइम पे कुछ जून में बिल्कुल सूखा होगा जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी जुलाई अगस्त में स्पेशली मानसून सीजन में ही सारी बारिश हो जाएगी पूरे साल सूखा रहेगा इसलिए एग्रीकल्चर को इरिगेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि जिस टाइम रेनफॉल नहीं हो रहा उस टाइम इरिगेशन से प्रोप की जो है वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके द लार्ज tracts ऑफ द कंट्री आर डेफिशेंट इन रेनफॉल और बहुत सारा जो कंट्री का जो ट्रैक्ट है एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है वो रेनफॉल में डेफिशेंट है एंड आर ड्रोट प्रोन और सूखा प्रोन भी है जहाँ पे सूखा ड्रोट जल्दी पड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मतलब राजस्थान एंड डेकन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरिया और दक्षिण का कुछ भाग ऐसा एरिया है जो कि ड्रोट प्रोन है जहाँ पर वाटर जरूरत पड़ती है इरीगेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत ही कम है नेग्लिजिबल है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट इसलिए एग्रीकल्चर वहां पर करना बहुत ही मुश्किल है बिना इरीगेशन की फैसिलिटी के अभी हम देख लेते हैं रिवर बेसिनस है ये गंगा रिवर बेसिन है मैप आ सकता है इसका ये याद रखना है मैप भरना इसका ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है ये बराक रिवर बेसिन है ये महानदी है बीच में ये नर्मदा बेसिन है ये ताप्ती बेसिन है ये गोदावरी बेसिन है ये कृष्णा रिवर बेसिन है पेन्नार नदी ये कावेरी बेसिन है तो ये हमें मैप में याद रखना है रिवर बेसिन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस सुगर केन जूट एट इज हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू इरीगेशन कुछ क्रॉप ऐसी है जैसे कि चावल केन गन्ना जूट, इसमें वाटर की मतलब इरिगेशन के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोविज प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल और अगर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी पॉसिबल हो जाती इट है इट हैज़ बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दैन अन एरीगेट लैंड ये भी देखा गया है कि जो इरीगेटेड लैंड्स हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है दैन अन इरीगेटिड लैंड से इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन एट्टी फाइव परसेंट ऑफ दियर नेट सोन एरिया इज़ अंडर इरीगेशन पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो नाइन्टी फाइव परस एट्टी फाइव परसेंट जो एरिया है नेट सोन एरिया वो इरीगेटेड एरिया है इसीलिए यहाँ पर क्रॉपिंग अच्छी होती है हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हरियाणा में कुए और ट्यूबवेल से खेती होती है दिस शोज दैट दीज स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दियर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल विच हैज रिजल्टेड इन अ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन दीज स्टेट्स और ये भी देखा गया है क्योंकि वेल से और ट्यूबवेल से पानी निकालने से जो ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और जिससे कि यहाँ के स्टेट्स का ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है बहुत कम बचा है इन ओवर विद इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान महाराष्ट्र हैज़ इंक्रीज फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे एरिया में तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पानी को निकालने से ग्राउंड वाटर के पानी में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है प्रैक्टिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द कन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड बिहार में आर्सेनिक का पानी में अंडर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कांसेंट्रेशन भी बढ़ गया है इंटेंसिव इरीगेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सोयल एंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर इरीगेशन बहुत ज़्यादा इरीगेशन करने से पंजाब हरियाणा और ग्राउंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सोयल में सैलिनिटी बढ़ गई है मतलब नमक बढ़ गया है सैलिनिटी बढ़ गई है और ग्राउंड वाटर भी बहुत डिप्लीट हो गया है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स अब वाटर प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्या इमर्ज हो रही है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्विंडलिंग डे बाय डे दिन बे दिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है जो पानी की वो कम होती जा रही है टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है द अवेलेबल वाटर रिसोर्स आर आल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड जितना भी पानी बचा हुआ वो पॉल्यूट होता जा रहा विद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एफिलवेंट्स जो भी गंदा निकलता है डोमेस्टिक एफिलवेंट्स निकलता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंट्स उससे एंड दिस इन टन फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबलिटी ऑफ द यूजल वाटर रिसोर्स और इससे जो वाटर रिसोर्स अवेलेबल है वो फर्दर उसकी जो यूजेबल क्वान्टिटी है वो कम होती जा रही है डिट्रोशन ऑफ वाटर क्वालिटी पानी की क्वालिटी में कमी भी हो रही है वाटर क्वालिटी रेफर्स टू तो द प्योरिटी ऑफ वाटर वाटर क्वालिटी से हमारा मतलब है कि पानी कितना प्योर है और वाटर विदाउट अनवॉन्टेड फॉरन सब्सटेंसेज और वाटर में फ़ोरन सब्सटेंसेस तो नहीं है कम है वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरन मैटर्स और पानी गंदा होता है जब उसमें फ़ॉरन मैटर मिल जाते हैं सच है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल्स इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट सच मैटर डिट्रॉइड द क्वालिटी ऑफ वाटर एंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ जब ऐसे फ़ॉरन मटीरियल मिल जाते हैं केमिकल्स मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो पानी की जो क्वालिटी है वो डिट्रॉइड हो जाती है

ग्राउंड वाटर तक सीप डाउन होकर पहुंच जाते हैं द गंगा एंड द यमुना आर टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री इस टाइम देश की गंगा और यमुना सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर में मानी जाती है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अब हम पढ़ेंगे कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए वाटर को कैसे मैनेज किया जाए क्योंकि ये स्केरस रिसोर्स है स्केरसिटी है वाटर की इसलिए हमें इसको माइंडफुल्ली कंजर्व करना है और मैनेज करना है सिंस दियर इज ए डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द नीड हैज रीजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रेशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो क्योंकि हमें पता है इसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है फ्रेश वाटर की और डिमांड बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो नीड हैज राइज टू कंजर्व दिस वाटर एंड मैनेज एंड मैनेज वाटर माइंडफुली क्योंकि ये डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इसको मैनेज और कंजर्व करना जरूरी है गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशीन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डी इज कंसिडर नेगेलिजिबल क्योंकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है समुन्दर से क्योंकि उसकी डी करना बहुत मुश्किल होता है तो नेगेलिजिबली वाटर अवेलेबल हो पाता है इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेड इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज टू एडोप्टफेक्टिव मेजर्स फॉर जिस कंजर्वेशन तो इंडिया को बहुत इफेक्टिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है कानून बनाने की जरूरत है जिससे इफेक्टिवली वो वाटर को कंजर्व कर सके बिसाइड डिवेलपिंग वाटर सर्विंग टेक्नोलॉजी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी एंड मैथड्स अटैम्स आर ऑल्सो बी मेड टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन कंजर्वेशन के साथ साथ पॉल्यूशन से बचाना भी पानी को बेहद ज़रूरी है देर इज अ नीड टू इनकरेज वाटर शेड डिवेलपमेंट तो अर्जेंट नीड है कि हम वाटर शेड डेवेलपमेंट अपनाएं रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं वाटर रिसाइकल एंड रीयूज अपनाएं वाटर को रिसाइकल करें और वाटर को बार बार यूज करें रीयूज करें फॉर डल्टी परपजेस के लिए एंड कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन और लॉन्ग रन तक वाटर की सप्लाई बनी रहे इसलिए माइंडफुल यूज़ करना वाटर का बनता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन अब वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन स्ट्रेच इन हिल एरियाज जो मेजर रिवर्स है वो वहाँ पे कम पोल्यूटेड है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है हिली एरियाज में इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज इंटेंसिवली फॉर इरीगेशन ड्रिंकिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज लेकिन प्लेन्स में जहाँ पर हैबिटेशन ज़्यादा है रिवर वाटर का इरीगेशन के लिए ड्रिंकिंग के लिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है द drains कैरिंग एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर एंड सेक्टिसाइड डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल effluent join द रिवर जिस कारण के एग्रीकल्चर का जो फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का पानी निकलता है डोमेस्टिक का जो कूड़ा में निकलता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एफ्लुएंस निकलता है वो रिवर में मिल जाता है जो रिवर को पानी को गंदा करता है द कंसेंट्रेशन ऑफ इन रिवर्स स्पेशली रिमेन्स वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन वैन फ्लो ऑफ वाटर इज लो स्पेशली ये जो पॉल्यूशन है रिवर में गर्मियों में सबसे ज्यादा रहता है जब पानी का फ्लो कम होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी की फुल फॉर्म आ सकती है एम में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कोलाबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर हैज बिन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करता है नेशनल एक्वाटिक रिसोर्स एट फाइव हंड्रेड सेवन स्टेशन पे द डाटा ऑबटेन फ्रॉम दीज स्टेशन शो दैट ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर तो इसका सर्वे बताता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्वे है जो कि 507 जगह पे किया जाता है वो ये बताता है कि ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो गंदगी है वो ज़्यादा है ज़्यादा रोल प्ले करती है रिवर के पानी को पोल्यूट करने में ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज़ अकर्ड ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स फ्लोराइड्स एंड नाइट्राइड्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जबकि जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करने में टॉक्सिक मेटी मेटल्स और फ्लोराइड और नाइट्राइड्स का बहुत बड़ा हिस्सा है लेजिस्लेटिव प्रोविज़न सच एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव है नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफ़ेक्टिवली इसका ये भी मतलब है कि जो हमने लेजिस्लेटिव प्रोविजनस बना रखे हैं जो कानून बनाए हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो उन्नीस में बना था और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उनको ठीक से इम्प्लीमेंट सत्ताईस इंप्लीमेंट नहीं किया गया द वाटर सेस एक्ट 1977 मीन टू रिड्यूस पॉल्यूशन हैज़ आल्सो मेड मार्जिनल इंपैक्ट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए बना था उसका भी कम ही इफेक्ट रहा है मार्जिनल इम्पैक्ट रहा है पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी डिफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हाँ पब्लिक को अगर अवेयर किया जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पोल्यूशन को रोकने में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो होता है उसको पोल्यूट करने से रोका जा सकता है रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर यह आता है वाटर मैनेजमेंट में अब वाटर क्योंकि स्केर्ल्स है तो उसको ठीक से मैनेज भी करना पड़ेगा तो यूज ऑफ वाटर लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस दियर वाटर कोस्ट तो हम क्या कर सकते हैं जो लेसर क्वालिटी का वाटर होता है उसको अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे इंडस्ट्री में जैसे कूलिंग करने में इंडस्ट्री में या फायर फाइटिंग में उनको यूज किया जा सकता है इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वाशिंग यूटेंसल्स कैन भी यूज फॉर गार्डनिंग और शहरी क्षेत्र में बर्तन धोने के बाद और नहाने के वाले पानी को बाद में गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल्स कैन आल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग और गाड़ी धोने के बाद जो पानी बचता है उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इससे क्या होगा जो अच्छी क्वालिटी का पानी होगा वो पीने के लिए बच जाएगा करंटली रिसाइकिलिंग ऑफ वाटर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन ए ल लिमिटेड स्केल हावेवर देयर यू नॉर्मल स्कोप फॉर रिप्लिनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग अभी कम यूज हो रहा है रिसाइकलिंग वाला लेकिन इसमें काफी बड़ा स्कोप है इससे हम वाटर को रिप्लिनिश कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है एफिशेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दोनों दोनों को हम बचा सकते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के जरिए इट इन्वॉल्व प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मैथड्स लाइक परकोलेशन टैंक्स रिचार्ज वेल्स एटसेट्रा तो इसमें क्या आता है कि पानी को रन ऑफ ना होने दिया जाए मतलब पानी वेस्ट जाके नाली में ना मिल जाए उसको स्टोर करो उसे रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर में उसको परकोलेट डाउन कर दो ताकि वो ग्राउंड वाटर बन जाए हावर इन ब्रॉड सेंस वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूडस कंजर्वेशन रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज ब्रॉड सेंस में वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब है पानी को कंजर्व करना पानी को रीजनरेट करना और जुडिशियस यूज करना नेचुरल लाइक लैंड वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन विद एन वाटर शेड वाटर शेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड तो वाटर शेड मैनेजमेंट हमें बैलेंस करना सिखाता है नेचुरल यूजेस को नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और सोसाइटी की नीड को भी फुलफिल करना जुडिशियसली, द सक्सेस ऑफ वाटर शेड डिवेलपमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वाटर शेड डिवेलपमेंट वाटर शेड डेवेलपमेंट कैन ओनली बी सक्सेस विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अदरवाइज इट विल भी डिफिकल्ट जैसे कि हरियाली योजना हरियाली तो वाटर शेड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय देंट्रल गमेंट विच एम्स एट एनाबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग इरीगेशन फिशरीज एंड अफोरेस्टेशन के लिए पानी को बचाना एक रूरल प्रोग्राम है हरियाली द प्रोजेक्ट इज बीग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन और इस प्रोजेक्ट को ग्राम पंचायत ने लागू किया है लोगों की भागीदारी से नीरू मीरू ये वाटर एंड यू नीरू मीरू का मतलब है था वाटर एंड यू पानी और तुम प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का एंड अराव अर, अरावरी पानी संसद इन अलवर राजस्थान का एक प्रोग्राम है हैव टेकन अप ऑफ़ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज परकोलेशन टैंक बनाए गए हैं मतलब जो पानी को इकट्ठा करके जमीन में नीचे उतार देते हैं परकोलेट डाउन करते हैं डग आउट जोहड़ पोन्स उनको खो खोदा गया है झोड़ बनाए गए चेक डैम्स थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन लोगों के हेल्प से ही तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउस तमिलनाडु ने तो वाटर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को हर घर में बनाना कंपलसरी कर दिया है नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग कोई भी बिल्डिंग पास नहीं हो सकती जब तक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोविज़न ना किया जाए उस बिल्डिंग में वाटर शेड डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट इन सम एरियाज है इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी तो वाटर शेड डिवेलपमेंट में कुछ एरियाज में ने इकोनॉमी को और इन्वायरमेंट को रिजुविनेट करने का मतलब दोबारा से लाइफ देने का काम किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हारवेस्टिंग इज ए मैथड टू कैप्चर एंड स्टोर वाटर इन वेरियस फॉर वेरियस यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि पानी को कैप्चर करना स्टोर करना और कामों के लिए इट इज़ आल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स और ये ग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स को भी रिचार्ज करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज़ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल पिट्स एंड वेल्स तो ये बहुत ही सस्ती तकनीक है और इको फ्रेंडली टेक्निक है कि पानी के हर बूंद को रेन वाटर को बोरवेल और पिट और कुएं के थ्रू स्टोर कर लिया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेज वाटर अवेलेबिलिटी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है चेक एंड डिक्लाइनिंग द ग्राउंड वाटर टेबल चेक रोकता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर थ्रू डिल्यूशन ऑफ कंटेमिनट्स और ग्राउंड वाटर के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्राइड्स प्रिवेंटल सोयल इरोजन को रोकता है एंड फ्लडिंग एंड फॉरेस्ट साल्ट वाटर इंक्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज टू बी रिचार्ज एक्फर और साल्ट वाटर के इंक्रूजन को भी रोकता है इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंडंका राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकली कुंड और टंका बोलते हैं कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक आर कंस्ट्रक्टेड नियर इन द हाउस और विलेज टू स्टोन हारवेस्ट स्टोर हार्वेस्टेड वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर आल्सो ऑल्सो द कम्युनिटी डिपेंडेंस रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कम्युनिटी डिपेंडेंस को भी कम करता है ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए दीज डेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग टेकन अप एज ए मैसिव स्केल आजकल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत मैसिव स्केल पर यूज किया जाए मैनी स्टेट्स इन द कंट्री अर्बन एरियाज कैन स्पेशली बेनिफिट फ्राम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अर्बन एरिया को काफ़ी हेल्प मिल सकती है वाटर डिमांड हैज़ ऑलरेडी आउट स्ट्रिप्ड सप्लाई इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टोन्स क्योंकि बहुत सारे शहरों में टोन्स और सिटीज़ में जो डिमांड है वो आउट स्प्रिड बहुत ऊपर चली गई है सप्लाई के मुकाबले इसलिए शहरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी हो गया है अपार्ट फ्राम द एबो मैंशनड फैक्टर्स द इशू इन फैक्टर के अलावा जो डिसलिनिएशन का जो इशू है ऑफ वाटर पर्टिकुलर इन कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकिश वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में जो ब्रैकिश वाटर है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस एरियाज टू वाटर डेफिसिट एरिया थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन बी इम्पोर्टेंट रेमिडीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन इंडिया तो अलग जो रेमेडीज़ है अलग जो इलाज है वाटर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के वो ये भी है कि जहाँ पे वाटर सरप्लस है वहाँ से वाटर डेफिसिट एरिया में जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे वाटर को पहुँचा दो किसके थ्रू रिवर को इंटरलिंक कर दो सबको ठीक है और डिसाइडिनेशन की प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं अभी स्कीम है जल क्रांति अभियान 2015 से 16 में गवर्नमेंट ने चलाई थी वाटर इज रिसाइकिलेबल रिसोर्सेज बट इट इज अवेलेबल लिमिटेड एंड गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विल बी वाइडनिंग ओवर तो जल क्रांति अभियान शुरू किया गया क्लाइमेट चेंज एट द ग्लोबल स्केल विल बी क्रिएटिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन तो इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हेज ए यूनिक सिचुएशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद हाई वाटर डिमांड तो इंडिया तो में यूनिक यूनिक कॉम्बिनेशन है वाटर की डिमांड बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है क्योंकि और इकोनॉमी भी बढ़ रही है तो जल क्रांति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015-16 में शुरू किया था तो विद रेम टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री ताकि लोगों को वाटर सिक्योरिटी दी जाए जल क्रांति अभियान एम्स एट इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज एंड जियो सिटीजन्स को मिला जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था इसमें अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन को रोकने के लिए वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज किया गया रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाए गए इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री ये हाईलाइट्स ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई गई थी उसके क्या हाईलाइट्स है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 हजार दो स्टूपुलट्स वाटर एलोकेशन प्योरिटीज ब्रॉडली इन द फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर इरीगेशन हाइड्रो पावर एंड इंडस्ट्रियल अदर यूजेस के लिए बनाया इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इन्वायरमिल इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट तो इरीगेशन और मल्टीपर्पज़ कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर भी उसमें प्रोविजन रखा जाएगा प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रियोरिटी तो नेशनल वाटर पॉलिसी दो, दो के अनुसार ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी दी जाएगी अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्केयर्स रिसोर्सेज शुड बी फोस्टर्ड और लोगों को बताया जाएगा कि वाटर जो एक स्केयर रिसोर्सेस है और कंजर्वेशन ऑफ कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन और एजुकेशन के जरिए कॉन्शियसनेस बनाई जाएगी आम आदमी में वाटर के प्रति ये रैलीगन सिद्धि इज अ स्माल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र इट हैज़ बिकम एन एग्जाम्पल फॉर वाटर शेड डेवेलपमेंट थ्रू थ्रू आउट द कंट्रीज ने वाटर शेड डेवेलपमेंट को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया है महाराष्ट्र का एक गाँव है तो वी हैव कम्पलीटेड दिस चैप्टर यू कैन डाउनलोड आर ऐप भादुड़ी फाउंडेशन टू लिसन ऑल एन सी आर टी राइट फ्रॉम सिक्स क्लास ट्वेल्थ क्लास एंड सब्सक्राइब चैनल ऑन यूट्यूब टू स्टडी